हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल प्रणाम। आप देख रहे हैं खेलनाओ टीवी और आस हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। मैं क्या जी बल्ले बल्ले वाली बात है यहाँ पे। आज भी देखिए 99.9% जो यहाँ पे आंकड़ा सही रहता है हमारे कबड्डी के धुरंधर प्लेयर मोहित छिल्लर जी का, आज भी सर आपका जो ये आंकड़ा है बहुत सही रहा, इसलिए थैंक यू सो मच। लेकिन आपने आज कहा था कि जो है पुनेरी पलटन और बंगाल वॉरियर में कौन जीतेगा, तो आपने कहा था बंगाल वॉरियर, लेकिन आज जो है मुझे लगता है वो कहीं पिछड़ गई है। और क्यों पिछड़ी है इसके बारे में यहां बात करेंगे। उससे पहले आज का जो अभी जो मैच खत्म हुआ है बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यूपी योद्धा, ओवरऑल में आज बात करूं तो पवन सेहरावत का जो है जलवा नहीं चल पाया। सर क्या वजह रही इसके पीछे? सर यूपी का जो डिफेंस था, जो उन्होंने प्लान बनाया था अपना, वो सक्सेस कर दिया। उनको 3 सुपर टैकल कर दिया। मेरे को नहीं लगा था कि इतने बड़े राइडर के 3 सुपर टैकल कर भी पाएंगे वो, लेकिन उन्होंने बड़े बखूबी से वो 3, तो सर यही सारा कारण था जो उन्होंने अपने ऑल आउट नियो ने दिया यूपी योद्धा ने, और अपने डिफेंस को जमाए रखा और आज उन्होंने 6 सुपर टैकल किए। सर 12 पॉइंट तो वो सुपर टैकल टैकल के ही कमाए हुए उन्होंने। बिल्कुल, तो यही वजह भी रही यहाँ पे। लेकिन सर एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे प्रदीप नरवाल को जब सब्स्टिट्यूट किया गया, तो ऐसी सिचुएशन कब एक खेल में आती है कि आप अपने स्टार खिलाड़ी को बाहर भेज देते? भैया तो उससे कुछ नहीं हो रहा है, 2 असफल रेड के बाद उनको बाहर भेजा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्रदीप नरवाल का होना या ना होना बहुत बड़ी बात है यूपी के लिए। सर जी बिल्कुल गौतम भाई, बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन अगर उनको 2 रेड दी थी शायद, 1.5 से 2 मिनट खिलाए थे, लेकिन सर कोई बात नहीं। अगर ये है कि उनका दिन नहीं था या उनके मूवमेंट नहीं हो पा रहे थे जैसे लास्ट मैच में हो रहे थे, आज नहीं उनके मूवमेंट हो पाए, तो कोच ने देख लिया होगा और उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी टीम वो यूपी जीत के गई। और ना होना होना तो सर है कि अगर वो स्टैंड बेंच पे भी बैठे हैं, सब्स्टिट्यूट भी हुआ है, तो वो टीम में तो है ना, आप उनको कभी भी यूज कर सकते हो। होना ना होना की तो सर आपको बात पता ही है कि यहाँ क्या चल रहा है टेबल पे स्कोर पे। बिल्कुल सर जी हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सांस रोक कर तुझे छूने की कवायद और तुझे हल्का सा छूकर खुशी खुशी वापस आने की जो खुशी है ना भैया, जैसे जीत लिया हो सारा संसार। कोई रोमांटिक शायरी नहीं है सर, कबड्डी के बारे में कह रहा हूँ यहाँ पे ये बात में। तो आज इस कवायद में मुझे लगता है कि कहीं प्रदीप नरवाल पिछड़ गए हैं। वो जो स्पीड की बात है, वो जो उनके देखिए आप उनका जो पैरों की मूवमेंट है और उनका जो फुटस्टेप्स है, जिस तरह से वो चलते थे राइट टू लेफ्ट, वो चुने की कोशिश करते थे, आज प्रदीप नरवाल ने फिर से वही गलती की कि भैया स्लो हो गए हैं वो। तो इतना स्लो होना क्या उन्हें अगली बार के लिए पीकेएल से बाहर भी कर सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अभी 8 मैच ही हुए हैं, अभी 22 मैच होने हैं टीम के, तो काफी मैच है पेंडिंग में। तो आज उनका अगर भार होना, अगर कोच का ये डिसीजन ठीक था, आई थिंक ये कोच काज का डिसीजन ठीक था, उससे यूपी योद्धा जीत भी गई। और सबसे बड़ा कारण ये था कि सर यूपी योद्धा का कि उनका डिफेंस आज इतना शानदार खेला है, इतना शानदार खेला है कि आप भी तारीफ कर रहे थे अभी कि क्या काम कमाल कर दिया, क्या काम कर दिया यूपी योद्धा ने, अपना नाम कर दिया यहाँ पे। तो यही है, यूपी योद्धा ने नाम कर दिया। और जैसा कि आपकी प्रेडिक्शन भी यही थी सर कि आज यूपी योद्धा जीत सकती है, तो क्या पिछली हार का ये बदला लिया गया है यहाँ पे? सर पिछली उनकी सारे मैचों में हारी हुई है, तो सारी हारों का बदला आज ही हुआ है। और अच्छी टीम से आज जो एक मैच हार के कंटिन्यू जीतती आ रही थी बैंगलोर बुल्स, उससे बदला लिया, तो बड़ी बात तो है ही सर कि जी हाँ। सारी मैचों का बदला सारी खुंदस एक ही मैच में निकाल गई, निकल गई यहाँ पे। तो सर जैसा कि मुझे लगा कि राहुल चौधरी को नहीं उतारा और यहाँ पे प्रदीप नरवाल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये 2 बड़े सितारे भी अगर यूपी योद्धा में ना हो, तो भी यूपी योद्धा भैया लखनऊ में जाके बिरयानी तो खाएगा आप ना, मैच चाहेगा। डिफेंस बहुत कमाल था सर आज, जो मर्जी बोलो। आज आप खुद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पवन की, तो पवन का भी कितनी बार सुपर टैकल हुआ सर? जी बिल्कुल, 3 बार सुपर टैकल हुए हैं पवन। और एक इतना बड़ा प्लेयर, इतना अच्छा मूवमेंट जो रिदम में अपनी, उसके सुपर टैकल होने सर
ताज्जुब है, लेकिन यूपी योद्धा का डिफेंस पूरा काम करके आया था यहाँ अपना, उस पर पूरा प्लान बना के आया था कि पवन को कैसे रोकना है, और वो सक्सेस हो गया। और सर 12 पॉइंट मतलब 6 सुपर टैकल कम नहीं होते सर किसी टीम के लिए, बिल्कुल कम नहीं होते। और यहाँ पे मैसेजेस चलने शुरू हो चुके हैं आपके, फ्री फायर हेडशॉट्स, सर पुनेरी पलटन प्ले ऑफ में जा सकती है? भाई साहब ये कैसा सवाल है, इस सवाल के ऊपर तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, फिर भी सर क्या कहेंगे आप? सर मैं ये बोलूंगा फ्री फायर जी की अपनी के फायर हो जी, फ्री फायर जी मैं बोलूंगा, अभी उनके 8 ही मैच हुए हैं, आप उनके 4 मैच और होने दो, उनके उसके बाद पता चल जाएगा कि वो प्लेऑफ में जाएगी या नहीं जाएगी। जी हाँ, यहाँ सनी देओल तो नहीं है, लेकिन सनी सैनी कह रहे हैं कि चड्डा ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, ये 2.5 किलो का हाथ आज नहीं पड़ा है। कहते हैं कि पवन सिंह रावत ने आज निराश कर दिया, क्यों किया सर ऐसा, ये तो आप उनसे पर्सनली पूछिएगा। जी बिल्कुल भाई, हर प्लेयर का दिन होता है, पवन सिंह रावत एक अच्छे प्लेयर है और यूपी योद्धा के डिफेंस ने उनको खामोश रखा, और खामोश रखने से ही यूपी योद्धा जीती, इसलिए पवन सिंह रावत को खामोश रखना ही और ना चलने देना ही यूपी योद्धा का प्लान था। बिल्कुल, और आपको बता दूं कि यूपी योद्धा का जो एक योद्धा आज सामने आया, आज प्रदीप नरवाल, आज कोई देखिए उनके पॉइंट टेबल पे अंडा है भैया, मास्टर जी का डंडा पड़ा उनको और वो लेके आए जब अंडा। लेकिन सर आज श्रीकांत यादव जैसा प्लेयर ने क्या फुर्ती दिखाई, क्या कमाल दिखाया, और वैसा प्लेयर एक प्लेयर होना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगा कि बेंगलुरु बुल्स के पास जो है उस तरह का रेडर कोई भी नहीं था सर। बिल्कुल गौतम भाई, बैंगलोर बुल्स का के पास वैसा पवन जैसा कोई भी रेडर था नहीं, लेकिन आज उनके पास भी एक हीरा चमक के आया था। बिल्कुल, पवन नहीं चले, वो दूसरा जो रेडर था उनका वो चला, शायद भारत नाम था उनका, श्रीकांत यादव सर नहीं सर, बंगाल का। अच्छा बंगाल का, हाँ हाँ हाँ, देखिए बंगाल में तो कोई, बैंगलोर बुल्स का, सॉरी हाँ जी हाँ, मेरे को मन ही याद आ गया, बिल्कुल सही कह रहे, भारत की बात कर जी, अगर पवन नहीं चले तो भरत ने सुपर 10 किया सर, पहला आपने सीजन का पहला सीजन, और जहां यूपी की बात है, यूपी की ओर से भी सुरेंद्र गिल ने नहीं किया, पवन भी बाहर चले गए, और श्रीकांत यादव ने शायद सर 14 पॉइंट लिए और 3 उनके टैकल पॉइंट पे, तो ऑलराउंडर की भूमिका निभाई उन्होंने, डिफेंस में भी साथ दिया और राइडिंग में भी वो चले। और श्रीकांत यादव की गौतम भाई मैं एक बात बता दूं कि वो पिछले 7 मैच से शायद चले ही नहीं थे, आज उनका पहला मैच था सीजन 8 का जिसमें उन्होंने सुपर 10 लगाया और वो अच्छी तरह से रेड पॉइंट भी कमाए और टैकल पॉइंट भी कमाए। बिल्कुल, और यासीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे, बढ़िया बिंदास। देखिए इवन पवन हैज बिकम स्लो, मुझे भी ये लगा कि जो है पवन सिंह रावत की अगर बात की जाए हम यहाँ पे, उनका जो हवा का झोंका है भैया वो भी बहुत स्लो था। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर दोनों मेन रेडर्स को देखें, एक को तो बाहर ही कर दिया गया और दूसरा रेडर बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कोच की कि उन्होंने अपने मेन रेडर को सर पूरा टाइम जो है वो मैट पे रखा है, कोर्ट पे रखा है, तो ये एक बढ़िया प्लस पॉइंट था यहाँ पे। तेजस चौधरी कह रहे कि अब प्रदीप नरवाल का टाइम नहीं रहा, ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता तेजस जी कि उनका टाइम अभी नहीं गया है, अभी प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, मौका नहीं मिल रहा है, कहीं गलतियां हो रही है उनके फुटवर्क में, उनको मौका मिलेगा, अभी टाइम नहीं गया उनका। जी हाँ, यहाँ पे ऋषिकेश दहीवाल कह रहे हैं, अरे दहीवाल जी आपका जो सवाल है ना कि चंद्रन रंजीत को क्या ड्रॉप कर देना चाहिए, अगर चंद्रन रंजीत को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, आप खुद देखिए कि आज मोरे जी भी नहीं चले, चंद्रन रंजीत का जो ढीला ढाला रवैया था वो आज भी देखने को मिला, लेकिन जब पवन सिंह रावत नहीं चलते, आप पिछले मैच उठा के देखिए चंद्रन रंजीत ने सुपर 10 लगाया है, तो उन्हें जो है ड्रॉप करने की तो मेरे ख्याल से कोई बात आती नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर नहीं आती है गौतम भाई, अगर ऐसे ड्रॉप करने लगे तो उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी राइडिंग डिपार्टमेंट में, तो ड्रॉप नहीं करना चाहिए। आज पवन नहीं चले, रंजीत नहीं चले, भरत चल पड़े, लेकिन बैंगलोर बुल्स के डिफेंस ने बिल्कुल भी खेल नहीं दिखाया सर। मैं बैंगलोर बुल्स की हम दाद देते हैं दोनों की, वो कैसे यूनिटी से खेलती है वो टीम, आज वो टीम खेली नहीं, आज उनके चेहरे ही ऐसे लग रहे थे कि आज हारना है आज नहीं जीतेंगे हम, आज हारेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप जीत लो यूपी योद्धा वालों। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आज यूपी योद्धा की। यहाँ पे पूछे कि प्रदीप नरवाल अगले सीजन में रिलीज हो जाएंगे यूपी योद्धा से, हमें तो ये लगता है, आपको क्या लगता है सर कि प्रदीप नरवाल मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर अभी तो शेर है, दहाड़ेगा जरूर सर।
बिल्कुल जरूर, जो पुराने शेर होते हैं ना वो दहाड़ते भी ज्यादा और पंजाबी ज्यादा तेज मारते हैं। पंजाबी मारते हैं। तो ये देखना होगा कि प्रदीप नरवाल वो बाहर से भी कह रहे थे कोच को, कोच साहब मैं जाऊं तो बिल्कुल जरूर साहब ने जाने नहीं दिया। ये सही अच्छी स्ट्रेटजी थी जी, बिल्कुल वो उनमें कॉन्फिडेंस आ गया था बाद में जब वो कोच ने बाहर किए, लेकिन जब टीम जीत रही थी तो सर वहां प्रदीप की क्या जरूरत थी। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रदीप इज फिनिश्ड 1.65 करोड़, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, बट थैंकफुल वो यूपी जीत गई। देखिए कई बार पैसा जो है वो आपको परफॉर्मेंस पैसों से नहीं आती है, आपकी परफॉर्मेंस कई बार जो है मुझे लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस से आती है। और आप इस पूरे सीजन में देखिए प्रदीप जिस तरीके से जो है रेड करते हैं वो तरीका नहीं लेके आ पा रहे हैं सर, वो तरीका नहीं ढूंढ पा रहे। एक होता ना कि आपके पास जो है तीर होता, आपने तीर निकाला चला दिया, वो तीर मिसिंग लग रहा है, घर छोड़ा है क्या? नहीं सर, घर नहीं छोड़ का है, वो तीर शायद अभी उन्होंने निकाला ही नहीं है, और उन्होंने पिछले मैच में निकाला था, वहां भी एक पॉइंट से वो अपने सुपर टेन से दूर रह गए थे, तो वो तीर निकलेगा जब तो सर वो कभी दुबकी लगाएगा कभी जंप लगाएगा। बिल्कुल, प्रदीप विल रोर अगेन, उत्कर्ष कह रहे हैं, उत्कर्ष सिंह हम भी यही चाहते हैं कि प्रदीप दोबारा से दहाड़े, दोबारा से वही काम करे जिसके लिए प्रदीप जाने जाते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकर है सर प्रदीप, उनके रिकॉर्ड को तोड़ना तो है मुझे लगता है कि मुश्किल है। और इसी के साथ मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे पोल भी शुरू हो चुका है, पोल के लिए 104 वोट्स आ चुके हैं, हीरो ऑफ द डे 19 श्रीकांत जाधव या फिर असलम इनामदार। 65% वोट जो है श्रीकांत जाधव को है और 35% वोट जो है असलम इनामदार को है। इसी के साथ मैं देख रहा हूं 104 वोट्स है लेकिन लाइक्स कहां है आपके? अरे भैया ऐसा ना करो, हम पे लाइक तो कर दो, क्यों सांबा बनके सिर्फ बस आनंद लेते रहते हो? इस वीडियो का आनंद लो, लाइक्स के साथ लो, ताकि हमारा भी जो है हम भी आनंद ले पाए, हम भी जो है आपके तरफ से भेजा हुआ ये लाइक्स के रूप में जो मिठाई है इसको थोड़ा सा हम खा पाए। जी बिल्कुल, और ये मिठाई खा के शायद हम बीमार नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे। तो आप लाइक्स करते रहिए वीडियो को प्लीज, हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा, हम भी प्रदीप के बारे में एक दो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बताएंगे सर, बुरी तो है नहीं उसमें। जी हाँ, वही बात है कि गांव का ये गुमनाम खेल है और अब गुमनाम नहीं रहा है, गांव का गुमनाम खेल अब टीवी पे आने लगा है। आपके यहाँ पे मैसेज आ रहे, कबड्डी का जो खिलाड़ी है पूरी दुनिया में छाने लगा है, एक कबड्डी का बड़ा खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ बैठा है, कैप्चर कर दिया इस बार हमने मोहित चिल्लर जी को, जाने नहीं देंगे मोहित चिल्लर जी को, जा रहे थे हमने पकड़ के रख दिया, 3-4 दिन तो हमने इनको बिल्कुल मतलब कोपचे में रख दिया। ऐसा नहीं है क्योंकि इनको होपचे में रखना अपने आप में बड़ी बात है, डोले देखे इनके कभी? हाँ अच्छा सर, आपने भी कभी किया ऐसे कि कभी बस में ट्रेवल कर रहे हो आप और आपकी बॉडी शॉडी तो माशाल्लाह है, जब भी आप जो है कभी शर्टलेस होते तो एकदम सलमान खान ही लगते हैं मुझे, तो कभी कंडक्टर ने किराया मांगा आपने बोला डोला देखा है? सर जब स्कूल में पढ़ते थे, जब स्कूल था एक हमारे वहां पर आसपास में ही, तो उसका स्टाफ चलता था, तो हम बस में टिकट लेते ही नहीं थे, हमेशा बोलते हैं स्टाफ है भाई डोला देखा ऐसे ही कर देते पकड़ के ऊपर, स्टाफ है भाई, स्टाफ है भाई। तो ऐसे ही चले थे सर, निकल जाते थे ऐसे। तो आप मतलब स्कूल टाइम से ही अपना बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी आपने? जी बॉडी बिल्डिंग तो नहीं सर, गौतम भाई खेलना जरूर शुरू कर दिया, बॉडी खुद बिल्ड हो गई, खुद बिल्ड हो गई। और सर जिम नहीं किया था, जो देसी अपनी कसरत होती है वही चल रही थी अपनी, उनसे ही बिल्ड हो गई थी। जी हाँ, यहाँ पे फ्री फायर हेडशॉट कहते हैं कि क्या पुनेरी पलटन को राहुल को मौका देना चाहिए? देखिए इस बात पे आएंगे हम, जरूर देना चाहिए, वैसे तो हम भी यही कहते हैं कि उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। और सर मैं यही आ जाता हूँ इनकी बात पे। हाँ, आ जाइए। आप हर एक प्लेयर को जज करते हैं, जो प्लेयर बड़े है सबको मौका मिला हुआ है, किसको नहीं मिला होगा? बिल्कुल, अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया तभी तो उनको मौका नहीं मिल रहा है, और उनके उनके ना होने से अगर टीम जीत रही है तो काहे का मौका। सही कहा आपने। तो आज हम यूपी योद्धा की अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, और देखिए बंगलुरु बुल्स को जो हराने का जो मेन यहाँ पे रीजन था वो था डिफेंस। तो नितेश और सुमित का जो डिफेंस था सर, आज आपको कैसा लगा? जब आप भी खेलते हैं, जब मैट पे होते हैं, तो आपका जब डिफेंस कुछ उस तरह का भी होता है कि जब आप एडवांस टैकल के लिए जाते हैं, आप डैश कर देते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये लड़का तो आज कुछ मेरी तरह खेल रहा है? बिल्कुल गौतम भाई, मजा आ रहा था उनका, सुमित और नितेश का डिफेंस देख के, कि आज दोनों कॉर्नर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे को गौतम भाई मेरे को भी याद आ गई थी, मेरे मतलब मैं भी इमोशनल सा हो गया था कि यार चोट नहीं लगती तो शायद मैं और सुरेंद्र नाड़ा इकट्ठे मिलते। तो सर याद वहाँ से उन दोनों को अच्छा खेलते हुए देख के मेरे को भी अपनी याद आ गई थी, लेकिन खैर जो हो गया हो गया। लेकिन नितेश और सुमित
काफी अच्छे, काफी हद तक अच्छे खेले सर। और उनके जो डिफेंस ने ना, आपको पता है गुरदीप आए थे सर, वो दो टैकल करके गए थे, सुपर टैकल करके गए थे। तो सर उनका डिफेंस, अगर वो बाहर से भी कोई आ रहा था तो डिफेंस पे ही फोकस था शायद, वो सब्स्टिट्यूट थे सर जी गुरदीप जी। हाँ जी हाँ बिल्कुल। और सर मेरे ख्याल में जब जितना रेस्ट था उस रेस्ट में कोच ने बस यही बताया कि आप खाली डिफेंस पे फोकस करो, रेडिंग को छोड़ दो, और वही काम किया यूपी होता। जी हाँ, यहाँ पे खुश आगरा टेक्निकल कहते हैं, आगरा के कहीं आप ताजमहल के पे बैठ के तो नहीं मैसेज कर रहे। सलीम कहते हैं कि मोहित भाई जब आप नाना जी के साथ यू मुंबा के डिफेंस में खेलते थे तो मजा आता था ये देख के। तो यही बात आज भी हो रही है, आज भी कह रहे हैं कि यार मन ने भी टाइम मिल जाता ना आज तो। हरियाणा सिलर जितना हारती है नहीं, जितना हार रही है आई थिंक वहां पे नाना जी भी सर आपको मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं सर, आते हैं मैसेज उनके, वो बिल्कुल मिस कर रहे हैं मेरे को। और ऑप्सो वो उनकी टीम जीते, अच्छी तरीके से प्लेऑफ में जाए, फिर नेक्स्ट सीजन देखते हैं। जी हाँ, यहाँ मिस होते हैं। यहाँ पे सर सोनी टर्न कह रहे, टर्न कह रहे कि मोहित सर प्लीज से माय नेम, साहिल नाम है इनका, कुछ कह दो सर, आप कुछ कह दो इन्हें। जी बिल्कुल साहिल भाई, लाइक कर दो, लाइक कर बस, दो आपका नाम मैं 100 बार ले दूंगा। आप है ना अपने सारे यार दोस्तों को बोलो खेलना टीवी को खोले और लाइक कर दो, 500 लाइक तो भेज दो भाई, सारों की तबीयत खराब होगी, 500 लाइक कर दो, हम सारे ठीक हो जाएंगे। जी हाँ यही सारे ठीक हम। जी हाँ लेकिन साहिल भाई प्लीज लाइक कर दो, और ज्यादा हमारी तबीयत खुश करने के लिए आपको ये काम करना होगा, हमें लाइक्स यहाँ पे भेजिए, और आपका प्यार आपकी मोहब्बत हमें यूं ही मिलती रहनी चाहिए, यहाँ पे लाइक्स का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। दक्ष कुमार कहते हैं कि पंकज मोहिते को शुरू से ही प्लेइंग 7 में रखना चाहिए, क्योंकि पंकज की जो है पुराने फॉर्म में दिख रहे थे पिछले मैच में भी। देखिए आप पंकज मोहिते की अगर पलटन की बात करें, आप अगर पंकज मोहिते की बात करें तो उस मैच में हम अभी आएंगे, जरूर आएंगे, लौट के आएंगे। लेकिन सर आज जो है मोहम्मद थागी ने भी कमाल किया है, अच्छे रेडर यहां पे बने, और जब जब मैंने ऐसे देखा कि यूपी योद्धा का जब कोई एक रेडर नहीं चला था दूसरे ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी। जी बिल्कुल ये बात तो है सर, श्रीकांत अगर बाहर ही नहीं गए सर, मैंने तो श्रीकांत को एक बार ही बाहर होते हुए देखा है, आउट होते देखा है शायद, जहां तक मेरे को याद है। मोहम्मद थागी की अगर अगर मोहम्मद की बात करते हैं तो सर मोहम्मद ने कितने अच्छे 5 पॉइंट्स लिए सर आज, सर कितने अच्छे पॉइंट लेके आया था, सुपर उन्होंने डू एंड डाई राइड पे पॉइंट लिए, उन्होंने टैकल किए, उन्होंने पवन सहरावत का टैकल किया, तो सर आज वो कमाल खेले। और ये होना भी चाहिए सर, अगर आपका एक राइडर नहीं चल रहा जैसे आज प्रदीप नहीं चले, श्रीकांत चले, और श्रीकांत को जरूरत थी जब मोहम्मद चले सर। जी हाँ, नहीं तो फिर सुरेंद्र गिल तो है, एक आधा पॉइंट लेके आ जी बिल्कुल, उनके बीच में एक सुरेंद्र गिल तो है कि टीम को पजल करके आ जाए यार, यार एक आप एमपीटी भी लगाया हो लेकिन टीम को पजल करके आ जाओ, जिससे श्रीकांत यादव का मनोबल और बढ़ गया सर, और वो उन्होंने अपना सुपर 10 कंप्लीट किया। जी हाँ, इसी के साथ बता दूं कि सौरव नंदाल की अगर हम बात करें, चंद्र रंजीत की हम बात करें, मोरे जी की हम बात करें, हम पवन सहरावत की बात करें, तो पूरा का पूरा रेडिंग जो था बंगलुरु बुल्स का टाइम टाइम फिस्ट लगा आज, और यही वजह रही कि आज जीत गया यहां पे यूपी योद्धा और बंगलुरु बुल्स को 42-27 के इस बड़े अंतर से आज हराया है। तो सर मुझे लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है यूपी योद्धा की आज। जी बिल्कुल, और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि उनको एक जीत की जरूरत है, आज गौतम भाई में इतना कॉन्फिडेंस था ना उस टीम पे, उन्होंने वो जीत पा ली है, क्योंकि सिक्स सेंस बोलती है ना कि होगा ये, और उन्होंने करके दिखा दिया, क्या पता हमारी बात सुन लियो गौतम भाई। पर मैं उन सारी टीम वालों को कांग्रेस बोलना चाहूंगा कि आज उनकी पहली जीत थी, 8 मैचों में आज उनकी पहली जीत थी, आज उनका मनोबल बढ़ गया होगा, और आप अगले मैच में देख लेना गौतम भाई, वो अब और खुल के खेलेंगे। खुल के खेलना चाहिए, खुल के मैसेज आप भी कीजिए। तेजस चौधरी का मैसेज है कि प्रदीप नरवाल के बिना भी जो टीम है वो जीत सकती है, बिल्कुल जीत सकती है, नो डाउट, प्रदीप नरवाल के बिना भी आज जो काम हुआ है बढ़िया, वो प्रदीप नरवाल के पास आज 0 है। यहाँ पे वासिफ अली कह रहे हैं कि प्रदीप अगर हटा दिया तो यूपी जो है अनफॉलोइंग जो है क्या है फैन फॉलोइंग जो है वो कम हो जाएगा, प्रदीप को हटा दिया, मुझे नहीं लगता, प्रदीप के रहने से भी फैन फॉलोइंग जो इतना ही है, और प्रदीप के बिना जिस तरीके से आज काम करके दिखाया है यहाँ पे, जिस तरीके से आज श्रीकांत यादव ने कमाल किया है, सुरेंद्र गिल ने कमाल किया है, उनके डिफेंस ने, नितेश ने कमाल किया है, भैया क्या आज कप्तानी पारी खेली है, सुमित ने कमाल किया, बवाल किया, गुरदीप सर जी 2 टैकल किए, 4 पॉइंट लिए, साइड में अपने चल रहे जी बिल्कुल, सारी बातें क्यों, सिर्फ 5 मिनट का खेल था सर बिल्कुल,
तो यही बातें हैं, बातों ही बातों में चुराया तूने मेरा जिया पिया पियाओ पिया पिया। दक्ष कुमार मोहित सर प्लीज आप हमें डिफेंस सिखाने के जो वीडियो है वो आप वीडियो जरूर अपने अपलोड करें कि डिफेंस हम कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैं करूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ मोहित चिल्लर करके, वहां पर मिलेगी आपको, आज नहीं कल पक्का आपको डिफेंस की वीडियो मिलेगी, जो आपने बोला है पक्का आपको वहां से मिलेगी। अब मैं यहाँ नेगी भाई को बहुत कम कुछ बताने वाला हूँ, आपके आपके सारे सवालों के आंसर मैं वही दूंगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ पे भी आपको सारे जवाब मिलने वाले। अरे नहीं भाई, यहाँ पर डिफेंस की वीडियो यहाँ भी मिलेगी वहां भी मिलेगी, आप टेंशन मत लो। आपको जो भी सीखना है खुल के बोलो, खुल के कमेंट करो, खुल के क्वेश्चन पूछो, मैं यहाँ भी सिखाऊंगा। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक जो है कबड्डी का पूरा एक कोर्ट बनाया है हमने बाहर, और वहां पे अभी ये जो चल पड़ा है कोविड की वजह से हमें वो भी क्लोज करना पड़ा। इनका दियाराम भी आजकल छुट्टी पे हमने भेज दिया है, वो भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर मेरे लिए तो ठीक ही रहा कोविड, वरना आपके दियाराम ने ना मेरी चाल टेढ़ी कर दी। नहीं भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये भी बोले मेरे यहाँ दर्द है यहाँ दर्द, ज्यादा एक्सरसाइज हो गई थी पिछले हफ्ते, अब पेन उभर के आने लग गया इनका दियाराम का। तो सर यहाँ पे दक्ष कुमार कहते हैं, इसके बाद विनय कहते हैं कि एक बंदे ने आपके प्री शो में लिखा था कि पब्लिक राहुल चौधरी को देखने आती है, इस्लाम ईमानदार को नहीं, तो तगड़ा जवाब दिया है इस्लाम ने आज। मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया यार आज। चलिए उसी मैच पे हम मूव करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे जवाब आप सुनने को तैयार हो रहे हैं। पुनेरी पल्टन और बंगाल वॉरियर, जिस तरह से पुनेरी पल्टन ने आज यहाँ पे बंगाल वॉरियर को पीटा है भैया, कमाल क्या है, 39-27, इतना बड़ा सर गैप, आप खुद समझिए कि एक टाइम पे बराबर थी और कैसे आगे हुआ। इसमें असलम इनामदार को आप कितनी शाबाशी देना चाहेंगे सर? आज वो उन्होंने अपने नाम के इनामदार के बिल्कुल इनाम हकदार है इनाम उनका, कि उन्होंने पुनेरी पल्टन को बहुत अच्छे से जीत दिलाई, और जो उन्होंने किया ना, जो आज उनके आपने उनका फुटवर्क देखा था गौतम भाई, कितना शानदार था कि ऐसा लग रहा था कि पानी पे चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, उन इनामदार बिल्कुल इनामदार के हकदार है। और जहां तक हमने पहले बताया था कि राहुल चौधरी अगर टीम जीत रही है ना, अगर राहुल चौधरी को पहले मौके दिए गए थे, आज इनामदार ने वो सारी बातें फीकी कर दी। तो आपने सही कहा सर, जिसका भी कमेंट था भाई का ये। बिल्कुल देखिए ये विनय का कमेंट था, उसके बाद दक्ष कुमार कहते हैं कि मोहित सर प्लीज आप हमें डिफेंस, एक और बार आ चुका है विनय का भी यहाँ पे है, अंकिता सिंह का, अंकिता जी बहुत दिनों बाद आपका मैसेज आया, और अंकिता जी के मैसेजेस को देख के इनके कमेंट्स को देख के मुझे लगता है कि ये कबड्डी के बहुत धुरंधर है अंकिता जी। आप भी कहते हैं कि मोहम्मद थागी का जो फुटवर्क था बहुत फास्ट था, लेकिन मिराज शेख क्या डिफेंडर है, और क्या जो है उन्होंने उस इशू को, क्या इस ऐसे इशू में डिफिकल्टी होती है सर, क्या मिराज शेख का डिफेंडर को इससे डिफिकल्टी होती है? बिल्कुल डिफिकल्टी होती है जी, बिल्कुल। अगर उनके फुटवर्क आप फुटवर्क देख ले तो ईरान के जो जितने भी राइडर हैं उनके फुटवर्क, वो सर स्टेप नहीं बनाते, वो कहीं से भी कैसे हो कैसे बैंड हो जाते हैं, कैसे भी निकल जाते हैं, तो डिफिकल्टी होती है एक डिफेंडर को उनको पकड़ने में। जी हाँ, पप्पा तो बैंड बजाए, तो बैंड तो यहां पे बज चुकी है, अरे चबड़गंजो लाइक करने का है, और हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, हमें यहां पे आपके लाइक्स चाहिए, और आपके लाइक्स जो है हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है। और हाँ, सर्दी में भी भैया हम आपके पास आते हैं, किस लिए? लाइक मिले हमें, लाइक्स मिलाओ, दो हमें लाइक्स, यहाँ पे बढ़ने चाहिए लाइक्स। और हीरो ऑफ द डे 19 श्रीकांत यादव 66% वोट्स के साथ आगे चल रहे, असलम इनामदार 34% वोट्स के साथ पिछड़े हुए, लेकिन दोनों ने आज दोनों ही हीरो है मेरी नजरों में तो। और फिलहाल चलते हैं यहाँ पे आपके कॉमेंट्स पे, जो कॉमेंट्स लगातार आ रहे हैं। S2H एडिट्स कहते हैं कि सर जो लोग तेलुगु टाइटन के कोच हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रोहित की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, मगर जब रोहित कुमार ज्यादा रेड नहीं करते तो परफॉर्मेंस यूपी जो है कैसी होगी वाला मैच जो है मैं देखना चाहता हूं इसका। देखिए आज आप खुद देखिए, आप आज की फर्स्ट एड भी देखिए, आज वही बातें चल रही हैं यहाँ पे कि भैया कौन होना चाहिए टीम में, कौन नहीं होना चाहिए, ये तो परफॉर्मेंस है सर, ऊपर नीचे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी सर परफॉर्मेंस में कब कब आपको ऐसा लगा कि आज आप पूरा, मतलब होता ना कि हथियार धार लेके गए और आपकी धार वहां पे? सर बहुत बार हुआ कि आज बिल्कुल कॉन्फिडेंट था मैं और ग्राउंड पे चला गया
उसके बाद हमने मैच जीता, लेकिन कभी कभी सर निकलने से पहले अगर हम बस में अगर हम ग्राउंड जा रहे हैं स्टेडियम जा रहे हैं तब अपने आप फीलिंग सी आ जाती कि नहीं यार आज तो डबल माइंड सा हो रहा है, तो तब आपको कोच को बता देना चाहिए शायद। और जैसे आप टीम में सजेस्ट कर रहे हो कि राहुल होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो सर मैं मानता हूँ गौतम भाई कि टीम को जीतना चाहिए। जहाँ तक मैंने सीखा है ना कबड्डी में कि टीम जीतेगी तो सब ही अच्छे खेले हैं, कोई बुरा नहीं खेलता। बिल्कुल। और यहाँ पे दक्ष कुमार कहते हैं कि सर मोहित सर मैं स्कूल की कबड्डी टीम में हूँ लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम बंगाली बाबा सॉल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रैक्टिस के वक्त तो अच्छा खेलता हूँ लेकिन जब मैं मैच में आता हूँ तो एक भी पॉइंट नहीं ले पाता हूँ। ये वही बात है जो भी मैंने यहाँ पे मोहित सर से पूछा कि कभी ऐसा हुआ है आप अपनी धार तेज करके गए और वहां पे आपको लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या सर आपको ना मैं दक्ष नाम है सर जी दक्ष नाम इनका जी दक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रैक्टिस का हर कोई शेयर होता है सर क्योंकि वहां अपने बंदे होते हैं, हमें पता होता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप जितने टूर्नामेंट खेलोगे ना जितने अपने ग्राउंड को छोड़ के अपनी ग्राउंड की टीम को लेकर जितने टूर्नामेंट खेलोगे आपका दिल उतना ही खुलेगा। बिल्कुल। वो सिचुएशन अलग होती है, ग्राउंड सिचुएशन अलग होती है, क्योंकि सर अपने ग्राउंड पे खेलना मतलब कि दिल खोल के खेलना, और अगर दूसरे ग्राउंड पे जा रहे हो बाहर ग्राउंड पे जा रहे हो खेलने या टूर्नामेंट में जा रहे हो तो वहां पर हिचकिचाहट होती है, उस हिचकिचाहट को निकालना दक्ष आपको और तभी आप ये सारे पॉइंट ले पाओगे। बिल्कुल। तो दक्ष मैं यही कहूंगा आपको कि आप किसी भी ग्राउंड में खेले आप बस ये सोच रहे मेरा ही होम ग्राउंड है, आज तो मैं यहाँ चकदे फट्टे कर दूंगा नप्पे किल्ली कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। चाहे कहीं भी जाए आप, पंजाब जाए दिल्ली जाए, चक दो फटे नप दो किल्ली वाली गेम होनी चाहिए। अंकिता सिंह कह रही है कि सर ओमिक्रोन हो गया था अभी फाइन हूं, लव योर टीम, लव यू टू अंकिता जी। देखिए ओमिक्रोन जो है उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अभी तक ऊपर वाले की दया है और आपका प्यार है जो हमारी टीम पूरी तरह से सुरक्षित है, नजर ना लगे सर जी आपको भी और मुझे भी कहीं टचवुड, ऐसे ही हमारी जो टीम है वो सुरक्षित रहे आगे बढ़ती रहे। और विशाल शास्त्री कहते हैं कि यूपी ओदा इज वर्स्ट टीम फॉर रेडर्स, मोनू गोयत, प्रदीप, नितिन तोमर, ऋषांक, ऑल फेल्ड अप। मतलब सर ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि एक टाइम होता है सर, हर प्लेयर का टाइम होता है। बिल्कुल सर ये तो माननी बात पड़ेगी कि हर प्लेयर का टाइम होता है, कभी सचिन का भी टाइम था, कभी धोनी का भी टाइम था, आज पवन का भी टाइम नहीं था, आज प्रदीप का भी टाइम नहीं था, तो हर चीज टाइम से समय से जुड़ी हुई है सर। तो आप चाहे कितनी उंगलियां उठा ले उनपे लेकिन टाइम होता है हर चीज का। अगर सर मैं एक पानी की बोतल भर के रख दूं और उसको 2 महीने तक चलाऊं तो वो नहीं चलेगी क्योंकि उसका भी टाइम होता है सर, गंगा जल भर लो ना सर भर के रख रखा है, तो सर टाइम होता है हर एक चीज का, प्लेयर का भी टाइम होता है, तो सबका अपना गंगा जल बनना पड़ेगा, गंगा जल जो कभी खराब नहीं होता जी। बिल्कुल। और यही है दक्ष जैसे प्लेयर जो अभी कह रहे हैं कि हमें खेलना है तो आपको अपने लेवल को मेंटल लेवल को भी ऊपर करके खेलना पड़ेगा। आम पानी मत बनिए, कुएं का पानी मत बनिए, गंगा जल बनिए। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आया कि पापा ने किया कमाल, पापा तो बैंड बजाए। कहते हैं कि वैसे सर एक चीज देखी है मैंने कि जो टीम अच्छा कर रही है वो अपने यंग रेडर्स की परफॉर्मेंस पर ही जीत रही है, बड़े नाम फीके हैं, बड़ी दुकान फीके पकवान, क्या लगता है सर आपको? जी बिल्कुल, आपका बोलना बिल्कुल ठीक है क्योंकि जितने भी बड़े नाम है वो सारे फीके होते जा रहे हैं और जो यंग जनरेशन है वो अच्छी अच्छे पॉइंट लेके आ रहे हैं, रेड पॉइंट लेके आ रहे हैं, डिफेंस में भी अच्छा कर रहे हैं। तो सर अभी बताया आपको कि टाइम होता है सबका टाइम होता है, अब आप भी खेलो, आने वाले समय में आप भी वहां मिलोगे। जी हाँ, यही आने वाले टाइम पे आप भी वहीं मिलोगे जहां आप मिलना चाहते हो, मोहब्बत है आपकी हमसे। और यही यहाँ पे मैसेजेस आपके आ रहे हैं। नवील खान कह रहे हैं, नवील खान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया बिंदास। कह रहे हैं कि प्रदीप नरवाल कमबैक करेगा और सर पक्का शेर शांत रहता है तो उसके बाद तूफान लाता है और वेट एंड वॉच, अब एवरीवन अब की बार ट्रॉफी यूपी योद्धा ही उठाएगी। भैया कई बार ना कुछ गलत फहमियां इंसान को यूं ही खा जाती है, क्यों आपको नहीं लगता सर? जी बिल्कुल लगता है, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि प्रदीप उठेगा जब शेर आएगा ना तो उठेगा जरूर जी, उठेगा और बहुत भयंकर पंजा मारेगा जी। मैं एक मूवी देख रहा था, संजय दत्त की मूवी थी जिसमें वो गुंडा बना हुआ था और जब उनको दोबारा पे काम पे बुलाया जाता है ना तो वो जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देता है ना सर वो गुंडे भेज के उन्हें पिटवाता है पहले फिर वो देखता है कि भैया, और वो संजय दत्त, तो संजय दत्त वो फिल्म का हीरो पीट देता है गुंडों को। कहते अच्छा आपने ऐसा क्यों किया? संजय दत्त पूछता है उससे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आता है, कहता मैं देखना चाहता था क्या अभी लोहे को जंग लग गया या नहीं। तो प्रदीप भी
देख रहे हैं कि अभी लोहे को जंग लगा कि नहीं, तो ये बड़ी बात है। यहाँ पे कहते हैं तेजस चौधरी सर मोनू गोयल पिछले कुछ मैचेस में सुपर टेन नहीं लगा रहे हैं, पुड़िया देनी पड़ेगी उन्हें, कोई दवाई देनी पड़ेगी। नहीं सर, अगर वो सुपर टेन नहीं लगा रहे तो टीम तो जीत रही है, आपको हम बार बार ये बोल रहे हैं अगर टीम जीत रही है तो सभी अच्छा खेल रहे हैं। ये नहीं कि अकेले मोनू गोयल ही सुपर टेन लगाए, प्रशांत राय भी लगा सकते हैं, सचिन तन्वर भी लगा सकते हैं, लेकिन टीम जीत रही है सबसे बड़ी बात होती है, टीम गेम है। अगर इंडिविजुअल गेम होता तो सर वहां पर अकेले इंसान की गलती होती, लेकिन यहाँ टीम वर्क है तो यहाँ अगर हारेगी तो सबकी गलती, जीतेगी तो सबकी वाहवाही। जी हाँ, यहाँ पे आज जो है लगातार हमें पुनेरी पलटन पे तो बात करने का मौका ही नहीं दे रहे आप, यहाँ पे आपके मैसेज लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे हिटमैन गेमिंग कह रहे हैं कि प्रदीप को अपने खेल में क्या सुधार करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए? सर वो इतने बड़े प्लेयर है, उनको सुधार की जरूरत नहीं, उनको थोड़े आराम की जरूरत है, आराम करके जब वो आएंगे ना, आज दिया उन्हें आराम, जी आज आराम दिया, अगले मैच में आराम लेके जब वो आएंगे उनके फुटवर्क में ज्यादा स्पीड मिलेगी। जी हाँ, लेकिन सर बंगाल वॉरियर की बात करें, आपका मणि जो है आज कितनी चमकी, मणि सर अकेला बंदा कर रहा है सर, टीम साथ नहीं दे पा रही सर, ये तो मैं बोल रहा हूँ बार बार में, लेकिन आज टीम में रिंकू था तो मेरे को ज्यादा होप रिंकू से थे कि रिंकू ज्यादा अच्छा कर पाएगा, क्योंकि लास्ट सीजन वो बहुत अच्छा खेला था, शायद इंजरी की वजह से वो दो तीन मैच नहीं खेल पाया, लेकिन मणि के पीछे ही सारी टीम चल रही है, और सर ये टीम कब तक पीछे चलेगी, कब तक मणि अपने पीछे चलाएगा और कब तक वो टीम पीछे चलेगी, कहीं ना कहीं सर गौतम भाई उनको भी तो शर्म आएगी कि यार हम मणि के पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर प्लेयर सर हार के बाद नहीं सोचता ना तो वो प्लेयर प्लेयर नहीं होता। बिल्कुल सर, आज जिस तरह से विशाल भारद्वाज भी उन्हें इतना दम इतना गर्व कैसे सोचता है, मणि जैसा 6.5 फुट का बंदा विशाल भारद्वाज उन्हें डैश करने के लिए आ रहा है और कर भी रहा है सर, डैश पॉइंट भी ले रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस जब बिल्ड हो जाता है तो आगे जो है मणि हो सुपर मणि हो चंद्र मणि हो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सर आकाश पिकल मुंडे, मुझे ये उभरता हुआ एक सितारा इस टीम के लिए नजर आया अगर ये सही से खेले। जी बिल्कुल गौतम भाई, अगर हम इस टीम में देखें जितने भी यंग है या किसी और टीम में देखें, यंग प्लेयर ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा खेल दिखा रहे हैं अपना, क्योंकि उनको पहला मौका मिला और पहला मौका सर शायद कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। जी हाँ। और यही काम है सर कि जैसे इस टीम में ये प्लेयर आया निकल के, और मैं तो मानता हूं कि सर अगर आपके वो नहीं चलते मेन रेडर्स नहीं, जी बिल्कुल, अगर मनी के अलावा उनका सपोर्ट कोई और नहीं दे सकता तो आप दूसरे को उतारो। यार आप डिफेंस तो फिर सुधारो कम से कम, डिफेंस भी नहीं चल रहा यार, कमाल कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे गुड्डू कुमार बोल दो सर, गुड्डू कुमार भाई राम राम, राम राम, रात की राम राम। गुड्डू कुमार कह रहे कि हम ही है वो गुड्डू पांडे जो बिलर बिलर करते थे, वो नहीं रह गया, गुड्डू कुमार यहाँ पे। उसके बाद सोनू कुमार जी कैसे हैं, मोहित सर क्या मंजीत छिलर अजय ठाकुर जीवा कुमार का ये लास्ट सीजन होगा, ये तो सर आप कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल सर भाई जी, अभी हम नहीं बता सकते कि उनका किनका लास्ट सीजन है किनका नहीं है, क्या पता मेरा ही लास्ट सीजन हो ये। जी हाँ, ऐसा तो नहीं है सर, हम तो चाहते हैं कि आप नहीं सर, मतलब सीजन का नहीं पता ना, हम मैं अपने अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीजन का नहीं पता किसका लास्ट सीजन क्या पता है, जो जहाँ पे स्टार पे चल रही है वॉर हुआ उनका लास्ट सीजन। ये देखिए भविष्य के गर्भ में जो बातें हैं उन पे टिप्पणियां करना व्यर्थ है बच्चा। यहाँ पे कहे कि टपरी स्टाइल नाचूं, अरे भैया टपरी स्टाइल कैसे नाचते हैं हमें भी बता दो यार। यहाँ पे सर वो सितारे ही कहा जो पहले चमक गए, हम तो रात के मुसाफिर है, टाइम आने पे प्रदीप ऐसा धमाका करेगा कि ट्रॉफी लेके जाएगा। सर वो धमाका कब करेगा, हम भी ऐसे रखते हैं ना पिछले साल की दिवाली के पटाखे, अगले साल चलाएंगे बड़े बड़े, ठुस हो जाते हैं। बिल्कुल सर, लगता है मुझे सर, तो अभी टाइम है अभी उनके, मुझे लगता है कि कहते हैं कि अंकिता सिंह कहती है कि गौतम सर आप बहुत मस्त मिमिक्री करते हो, एक बार गब्बर की मिमिक्री हो जाए। थैंक यू अंकिता जी, मेरे पास फोन नहीं है टैबलेट नहीं तो मैं पक्का आपके कमेंट पढ़ के इनका दिल वैसे ही खुश करता, आप आए 4-5 दिन में इनके चेहरे पे स्माइल देख लो, यही मोहब्बत है यही प्यार है, कितने आदमी थे कालिया। अच्छा यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके जो मैसेजेस है लगातार आ रहे हैं, लेकिन सर पुनेरी पलटन ने जो आज काम किया है, आपको लगता है कि पुनेरी पलटन का ये असलम इनामदार इनाम का हकदार है, 17 पॉइंट लिए सर, उस स्पीड जो उसके पैरों में थी इतनी स्पीड थी कि उस स्पीड को देखते बसंती भी नाचती, क्या क्या कहते हैं जी? बिल्कुल, आज उनकी जो मूवमेंट थे सर वो काफी शानदार थे, मैं पहले ही बताया कि जैसे मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे आज तो पानी पे चल रहा है कि कोई रोकने वाला है ही नहीं उनको। बिल्कुल सही कहा सर, आज जो उन्होंने इंप्रेस किया ना पुनेरी पलटन ने पूरे पुणे के, पुनेरी
मेरी पलटन के मैनेजमेंट को और खासकर अनूप कुमार यादव के जो होप्स पे उतरी है कि ये टीम, क्योंकि बार बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि यंग प्लेयर आज उन यंग प्लेयरों ने पूरा भरोसा जीत लिया है कोच का, तो आज कोच बड़े खुश हो गए और टीम भी बड़ी खुश होगी, काफी दिनों बाद जीत मिली है। जी हाँ, लेकिन नितिन तोमर जो है, मुझे नितिन तोमर से बहुत बहुत, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा मैट पे उतरे, मुझे लगा यार ये बंदा तो टक्कर मार के दीवार गिरा दे, लेकिन सर आज वो उनकी दीवार खुद ही गिरी थी बार बार, 3 पॉइंट उनके खाते में है सर। सर बिल्कुल, वो मेरे को लगता है वो पहले ही काफी मैच के बाद खेले हैं और कहीं ना कहीं इंजरी है उनको और वो उभर नहीं पाए इंजरी से, लेकिन सर उनके जो टीम के कोच है वो ही जानते हैं उस चीज को। अगर आज नितिन ने 3 लिए, उससे पिछले मैच में शायद सर 4 पॉइंट लिए थे मेरे को याद है, तो वही हिसाब चल रहा है नितिन तोमर का, वो भी एक बैलेंस्ड एवरेज में चले हुए हैं अभी, और एक दो मैच में सर उनका एवरेज भी पता लग जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस भी पता लग जाएगी। और यहाँ पे एक और सवाल आया है आपका, लेकिन ये इस मैच से रिलेटेड नहीं है। प्रणव बी रेड्डी कहते हैं कि सर वाई बेंगलुरु बुल्स लॉस्ट। देखिए बेंगलुरु बुल्स जो है, मुझे तो ये लगता है कि उनका ना आज डिफेंस चला, ना उनके पवन सिंह हाई फ्लायर चले, तो ये सारी चीजें जो है सब मिलके आज, बेशक प्रदीप नरवाल यूपी योद्धा में नहीं थे, लेकिन फिर भी आज जो है यूपी योद्धा का डिफेंस इतना तगड़ा था कि आज इनके सामने मैं कहता हूं कि पटना भी होती तो वो भी आज पानी भरती हुई नजर आती। आई एम रियली वेरी सॉरी पटना के चाहने वालों, लेकिन आज यूपी योद्धा का डिफेंस, सर मैं पटना की आज कोई भी टीम होती, कोई भी टीम होती, रगड़ दिया, बिल्कुल, रगड़ दिया, बिल्कुल सर आज तो इनका डिफेंस ऐसा काम कर रहा था कि कोई भी टीम होती तो वो उनको कड़ी टक्कर दे सकती थी, शायद ऐसी टक्कर दे सकती थी जो हम आज हमने देखी। जी हाँ, और मुझको प्रदीप पे पूरा भरोसा है यार, ये सीजन अच्छा नहीं गया तो वो अगले साल जो है एक्सप्रेस बन के आएंगे। देखिए प्रदीप तो प्रदीप है, नवीन की जगह वो कभी ले ही नहीं सकते हैं, और प्रदीप अगर इस बार ही अच्छा कर ले तो अभी भी वो धमाका कर सकते हैं, वो बचा हुआ दम अभी उनका बताता है, लेकिन जब उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा यार, तो एक मेन रेडर को सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, तो वहां पे कहीं मनोबल टूटता नहीं रेडर का, रात को नींद भी नहीं आती होगी उसे सर, बिल्कुल उनको रात को नींद भी नहीं आती होगी, गाली अलग सुनेगा बिल्कुल नहीं आती होगी सर, क्योंकि एक प्लेयर ही सोचता है कि मेरे को क्यों किया गया, लेकिन वो ये भी सोचेगा कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी इसलिए किया गया, यही बात चलती रहती है सर प्लेयर के दिमाग में, और प्लेयर बनना, खिलाड़ी बनना आसान बात नहीं है, और उस कायम चीज को, अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखना वो भी सर आसान बात नहीं है। मान लिया आपकी प्रदीप की बोल रहे कि अगले सीजन, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी उनके 14 मैच है सर, अगर 14 मैचों में गौतम भाई उन्होंने मौका मिलाना प्रदीप को तो वो यहाँ भी अच्छा करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। गुड्डू कुमार कितनी बार नाम ले आपका, मोहित सर को आप बहुत प्यार करते, अच्छी बात है सर, कह रहे हैं कि सर आप ना मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं। गुड्डू भाई राम राम सर का आज ये लोग भी पटना में यूपी योद्धा में ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रदीप अगर प्रदीप के ना होते हुए टीम जीत गई सर तो इनको भी लगता है यार आज प्रदीप क्यों नहीं था टीम में, प्रदीप क्यों नहीं था, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि प्रदीप क्यों नहीं था, लेकिन जो भी होता अच्छे के लिए होता है और टीम जीत गई उनको यूपी को बिल्कुल आगे दोबारा जो है वो वापस आएगी यहाँ पे। कहते हैं कि अच्छा है अरे ना शक्ल ना अकल कैसा नाम है तेरा सर, कहते हैं कि प्रदीप क्या थोड़े ओवरवेट हो गए, जो स्पीड और मूवमेंट काफी कम हो गया है, लॉकडाउन का इफेक्ट है, जंक फूड का, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ मोटे जरूर हुए इस बार। सर जंक फूड तो वो खाते नहीं है, जितना मेरे को पता है जंक फूड नहीं खाते है वो, लेकिन अगर वो मोटे हुए है, लेकिन उनका प्री सीजन 2 महीने कैंप था, उन्होंने वेट लूज कर लिया होगा, एक कॉन्फिडेंस शायद नहीं मिल रहा प्रदीप को। जी हाँ, वो कॉन्फिडेंस की जरूरत यहाँ पे है। आपके बढ़िया मैसेज आ रहे हैं, मैं तो खो ही जाता हूँ आपके मैसेज में, थैंक यू सो मच। तेजस चौधरी भाई के कह रहे सर पटना पायरेट्स बहुत कम मार्जिन से जीत रहा है। देखिए पटना की बात करें तो कोई बात नहीं, जीत तो रहा है ना, अभी आप देखिए कि टॉप पे जाएगा, मामला एकदम कमाल करेगा, लिट्टी चोखा खाएंगे एकदम साथ मिलके, डोंट वरी। S2H जी लिट्टी चोखा क्या बोल रहे सर? लिट्टी चोखा सर एक ऐसी आइटम है पटना की, बिहार की। अरे भैया बिहार वालों, अरे लिट्टी चोखा नहीं,
नहीं जानते हैं, कहा जानते हैं भैया जी? सर क्या है नहीं कभी सर, एक्चुअली आपने देखा होगा यहाँ पे सड़क के किनारे ग्रिल लगी होती है, उसपे बाटी गोल गोल लगा के रखता है एक बंदा, सेकता रहता है ऊपर उस बाटी को, फिर उसको घी में डुबोया जाता है, फिर उसके साथ चोखा आता है वो बैंगन और उसका, फिर उसमें सत्तू से भरी होती है वो बाटी, मतलब बाटी इन द सेंस एक आटे का वो गोल गोल बना के उसके अंदर वो डालते हैं, फिर उसको सेकते हैं। समझ गए होंगे आप जी? तो भैया लिट्टी चोखा समझा दिया हम यहाँ पे। हाँ पटना वालों, यहाँ पे कह रहे हैं कि सर तेलुगु टाइटंस का कोई चांस नहीं है प्ले ऑफ में जीतने का, क्या चांस होगा सर? उनका मेन बंदा अभी गायब है, इंजरी है सर उनको, अभी अभी तो अभी भी उनके 13-14 मैच, अगर वे सर 8 मैच कंटिन्यू जीत जाए तो शायद चांस हो सकते हैं। आप उनको सपोर्ट करो, उनके जितने भी प्लेयर है आपके कॉन्टैक्ट में उनके मैसेज करो, कोच साहब को मैसेज करो कि सर प्लीज उनको खिला लो, टीम को थोड़ा ग्रो करो, थोड़ा और शाबाशी दो, क्या पता अच्छा कर जाए। जी हाँ, और यहाँ पे एक और सवाल है दक्ष कुमार। हाय दक्ष, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपके इस सवाल का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि सर अभिनेश नंदराजन एक अच्छे डिफेंडर है और उनका डैश बहुत अच्छा था, वो कितने भी बड़े प्लेयर को आसानी से डैश कर लेते हैं, बस इस प्लेयर की एक ही दिक्कत है एडवांस टैकल की काफी करता है। देखिए वैसे तो जीवा भी एडवांस टैकल बहुत करता है, और इस बार तो हमने सुरेंद्र नारा जी को एडवांस टैकल करते हुए देखा है। उसके बाद सुरेंद्र नारा कहते हैं अरे यार क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन होता है उनके, अरे यार क्या हो गया। तो ये तो इस बार हमने प्रॉब्लम देखी है सर जी, बिल्कुल। बलदेव देख लो आज के मैच में क्या कर रहे थे, असिस्ट अच्छा दिया उन्होंने, लेकिन वो भी कई बार जो है बीच बीच में आ जाता है सर, कभी होता है ऐसा कि मतलब अरे अब तो मैं ही जाऊंगा पकड़ने इसको? जी बिल्कुल सर, जैसे अपने सुरेंद्र पाजी है जिनकी आप बात करते हो जी, पंजाब सुरेंद्र पाजी, बल्ले 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 याद आ जाता है सर को। तो सर ऐसा होता है कि जब राइडर आता है तो एक डिफेंडर, मैंने भी सोचा सर कभी, तो सेम वही सोचते होंगे सब डिफेंडर कि यार पकड़ ले, ये पॉइंट लेगा था तेरे से, अब तो पकड़ना है तेरे को, अब पकड़ना है, और उस पकड़ने के चक्कर में एडवांस चले जाते हैं। आशीष राजन कहते हैं कि यस सर आई एम फ्रॉम बिहार, तो भैया ठेकुआ लाइए कब इनके लिए, अरे लट्टे चौखा से भी हमको बहुत प्यार है। हाँ यहाँ पे सर कहते हैं कि सांप जैसा सपोला, ओ माई गॉड डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुम पकड़ी निकला काला नाग, अरे भैया। सर अनूप के लिए आज अच्छा लगा खुश, बिकॉज बहुत दुख होता है जब वो हार कर नाराज होते हैं, वो तो वहां नाराज होते हैं लेकिन अंदर जो वो नाराज करते हैं ना, और वो इनसे बोल जाते हैं बिल्कुल। और रणधीर सिंह तो आप बता ही रहे थे कि गाली देंगे। सर खुश हो गए, मैं भी खुश हुआ आज की अनूप की टीम जीती जी। और सर ऐसे ही जीतती जाए, लेकिन जो खेलेगा वो जीतेगा, हम तो क्या बता सकते हैं सर इस गौतम भाई इस बात में, जो नहीं खेलेगा वो हारेगा, जो खेलेगा वो जीतेगा। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पे सोनू कुमार कहते हैं कि मोहित सर आप कभी बिहार आए पटना में आपको लिट्टी चोखा खिलाएंगे। अरे पटना का हमको भी एक पॉइंट पता है लिट्टी चोखा का, अरे रेलवे स्टेशन के साथ वो सामने 3-4 मंजिला लिट्टी चोखा, बहुत किस्म की लिट्टी चोखा मिलता है सर। सर मैं काफी बार गया हूँ पटना सर, एक बार नहीं काफी बार, और लेकिन आज अभी मेरे को 17-18 दिन से लिट्टी चोखे का पता लगा भाई। मैं तो वहां 10 दिन रुक के भी आया हूँ सर, जब हम वहां नेशनल खेलने जाते थे या लीग में जाते थे जब पॉइंट नहीं था, तो हम 100 बार गए यार, लेकिन हमने किसी ने हमें बताया ही नहीं कि वहां ये चीज मिलती है, अब तो मैं तो खा गया था। बिल्कुल सर, यहाँ पे प्रशांत गौतम कहते हैं कि सुमित एंड आशु ऑलवेज डू वेल इन डिफेंस एंड एनी मैन कम इन फ्रंट ऑफ देम दे मस्ट कैप्चर, आई थिंक दे आर द बेस्ट इन फॉर्म। सर कहते हैं कि सुमित और आशु जो है बहुत ही अच्छा डिफेंस करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये तो यूपी होता के सुमित की तारीफ तो हम करते आ रहे हैं सर स्टार्टिंग से, और आज नितेश ने भी अच्छा काम किया, सुमित आशु और नितेश तीनों ने मिलके, बल्कि उनके रेडरों ने भी मिलके अच्छा काम किया, और तभी वो इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं। जी हाँ यही मार्जिन है जिसको जीतने की यहाँ पे सभी कोशिश करते हैं। और फिलहाल हीरो ऑफ द डे 19 सरपंची, आमा मिया सरपंची में का हो रेला है, तो भैया चाचा बता दू आपको, श्रीकांत यादव अभी जो है सरपंची की पगड़ी अपने सिर पे रखे हुए है, 65% वोट्स उनको आ चुके हैं, असलम इनामदार 35% वोट आ चुके हैं, 470 वोट्स हो चुके हैं, लेकिन लाइक 195। सर एक बार फिर बोलो लाइक के लिए आप, सर आपका बोला हुआ मान लेते हैं प्लीज, मोहित सर की तो मानोगे 4-4 गोल्ड मेडल इनके पास है यार, कमाल कर रहे हैं। प्लीज 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 लाइक कर दो, अगर आप 500 तक नहीं पहुंचा सकते जितने आपने वोट डाले वहां तक तो पहुंचाओ, वहां तक पहुंचाओगे तो 500 तक भी मना लेंगे आपको, आप वहां तक तो पहुंचाओ जितने आपने वोट किए हैं। जी हाँ उतने वोट तक तो आप आ ही जाओ, 473 वोट हो चुके हैं, उतने लाइक्स तक तो आ ही जाओ यार हमारे, फिर मैं आपको मिमिक्री करके दिखाऊंगा, अमरीश पुरी, नाना पाटेकर, गब्बर, जो आप बोलेंगे यहां पर ठुमका भी लगा के दिखाऊंगा आपको, हां जो आप गाना बोलेंगे उस पे नाचेंगे हम दोनों।
अरे डोंट वरी बी हैप्पी। यहाँ पे सर आपको क्या लगता है कि आज के जो ये मैचेस थे, दोनों ही मैचेस, इनमें आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और सबसे जो है आपको क्या लगा कि कमजोर कड़ी क्या थी सर आज, अगर हम यहाँ पे पुनेरी पलटन और बंगाल की सबसे पहले बात करें? सर अगर मैं पुनेरी पलटन और बंगाल की बात करूँ तो पुनेरी पलटन के यंग जो अनूप कुमार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आज उन्होंने काम किया और बड़े अंतर से जीते। और बंगाल के वीक पॉइंट की बात करूँ तो उनका डिफेंस कभी नहीं चलता और मनेंद्र के पीछे वो चलते आ रहे हैं। जहाँ तक मैं यूपी योद्धा और बेंगलोर बुल्स की बात करूँ तो यूपी योद्धा ने अपना जो शुरुआत थी वो पकड़ लिया है। जो उनका डिफेंस खेला, जो उन्होंने आज 6 सुपर टैकल किए हैं वो लाजवाब थे। और वहाँ उनका डिफेंस, बेंगलोर बुल्स का डिफेंस की हम बात करते आ रहे हैं कि वो अप डाउन चलता रहता है, वो भी एक अपनी पीक परफॉर्मेंस में नहीं चल रहा उनका डिफेंस। और पवन को शांत करके आप बेंगलोर बुल्स को हरा सकते हो, ये यूपी ने बता दिया। तो सर ये नितेश कुमार उनकी आज के इस मैच की कड़ी थी सर, जिस तरह से कप्तानी उन्होंने की है। जी बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ सर कि अगर आज यूपी योद्धा जो पिछले 7 मैच हार चुकी थी, आज वो बेंगलोर बुल्स को इकट्ठा हो गए, यूनिटी होकर और डिफेंस से हरा सकती है पवन को शांत करके, तो और भी टीम हरा सकती है। तो हाँ। सर ये चारों टीमों की हमने बता दी है कि कौन क्या कर रहा था, कौन क्या नहीं कर रहा था, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो। जी हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे दक्ष कुमार सर, मिराज शेख इस सीजन में क्यों नहीं खेल रहे हैं? चिट्ठी भेजी थी हमें उन्हें। जी वो तो ईरान भेज रखी है, डाकिया निकला हुआ, पता नहीं अभी तक कहाँ गया, पैदल निकला है, साइकिल देखना पड़ेगा। S2H एडिट्स कहते हैं कि सर वीवो प्रो कबड्डी कब तक है? देखिए अभी तक हमें, हमारे पास जो शेड्यूल है, जो उनके शेड्यूल मंत्री ने हम तक भेजा, वो तो 20 तारीख तक है। 20 जनवरी तक वो आएगा शेड्यूल, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा सर। तो आपको क्या लगता है सर कि जनवरी तो पूरा का पूरा चलेगा, फैब के मिड तक भी जाएगा ये? सर मैं बता दूं आपको? जी चलो मैं नहीं बताता, शेड्यूल में देख लेंगे, शेड्यूल में देखेंगे। लेकिन सर मैं आपको बता सकता हूं, जहां तक मेरा अंदाजा है 26 फरवरी को वीवो प्रो कबड्डी के 8वें सीजन का फाइनल होगा। हो सकता है। तो आपको ये डेट भी यहां मालूम चल चुकी है। तो आपके जो सवाल, इसी के साथ आपका प्यार, आपकी मोहब्बत जो है यूं ही बना रहना चाहिए। भुवनेश शर्मा यहां पे कहते हैं कि वेयर इज मोहित छिल्लर डिफेंडर? देखिए भावेश शर्मा जी, मोहित छिल्लर जी हमारे साथ यहां पे है, और मोहित छिल्लर जी जो है वो अगले सीजन में आपको मिलेंगे। इस सीजन में थोड़ा सा इंजरी हो गई थी। और सर जो आपकी प्रैक्टिस है वो अब कैसी चल रही है, क्योंकि आपको बहुत सारे फोन वहां से भी आ रहे हैं कि इनको दोबारा भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि फिट हो गया आऊंगा भाई, ऐसे नहीं आऊंगा। सर प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, लेकिन 2-3 दिन मैं बीमार हो गया था, थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, ज्यादा कुछ नहीं था, मेरे को कोरोना वरोना कुछ नहीं हुआ था। अब ठीक है, अब 1-2 दिन रिकवर होने में लगेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट, और फिर मोहित छिल्लर, वहीं छिल्लर साहब टॉप के डिफेंडर हैं, और टॉप के डिफेंडर हमेशा टॉप पर रहते हैं। इसलिए जो कुछ कहना है सामने आके कह लो, पंगा लेना है सामने आके ले लो मोहित छिल्लर जी से। अच्छा यहाँ पे आपके मैसेजेस आ रहे हैं सर, मैं कहूंगा आशीष नेगी जी से, सर हमें पोल के रिजल्ट जो है यहाँ पे सामने लाए जाए, कंप्यूटर महाशय के सामने यहाँ पे लाए जाए। प्रशांत गौतम, प्रो कबड्डी जो है ने कबड्डी को जमाने से, जो जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। देखिए तभी तो मैं कहता हूं कि गांव का गुमनाम खेल अब टीवी पे आने लगा है, कबड्डी का खिलाड़ी पूरी दुनिया पे छाने लगा है। बिल्कुल सर, ये बात तो है ही हकीकत, और जमीन से जुड़ा हुआ गेम है। तो आप भी खेलो, और आप नहीं खेल सकते तो अप्रोच करो या कुछ भी करो, लेकिन कबड्डी को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जहां तक कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल, उस ऊंचाइयों तक जाना है, इसलिए ये हमारे देश का खेल है। अब तो इसे बहुत सारे लोग जो है देखिए यहाँ पे ट्राई कर रही है कि इसे जो है पार्टिसिपेट इसका ओलंपिक्स में भी आए और हर जगह इसे शामिल किया जाए, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। कबड्डी 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 तो बोल, कबड्डी खेल, कबड्डी और कबड्डी की बातें यहां पे चलती रहेगी। लेकिन आज की सरपंची जो है उसका मुद्दा आपके सामने यहां पे थोड़ी ही देर में आ रहा है। तब तक एक सवाल मैं यहां पे पूछना चाहूंगा हमारे सर से। सर जो आपके पास इतने मेडल, इतने सारे आपके पास, जो घर पे अगर आपके कमरे में देखा जाए तो वहां पे कोई भी फालतू की सीनरी नहीं है, वही सीनरीज है जो आपने मेडल जीते हैं। तो सर एक एक मेडल से, एक
याद जुड़ी होती है एक एक ट्रॉफी से। तो सर जब आप अपने उन अपने कमरे में जाके लेटते आराम करते हैं और आपकी नज़र जब उन एक एक मेडल या ट्रॉफी में पड़ती तो वो फ्लैशबैक तो जाते होंगे आप यार ये उस दिन मिली थी। जी बिल्कुल गौतम भाई, और जाना भी चाहिए शायद कि हमने क्या किया था, कहाँ थे हम। सर हमने लोकल टूर्नामेंट से स्टार्ट किया, हमने नेशनल खेला, हमने वहाँ मेडल, हर एक चीज़ हर एक मोमेंट सर याद आता है कि वर्ल्ड कप में आपने क्या किया, एशियन गेम में आपने क्या किया, एशियन चैंपियनशिप में आपने क्या किया। और सर जब जब भी वीडियो थी, शायद जब उतना हमारे में दिमाग नहीं था कि अपनी चीज़ें वीडियो कैप्चर करके रखे, लेकिन अब वो दिमाग में माइंड में वो वीडियो तो वो यादगरी सपनों में भी घूमने लगी। वो यादें हैं जो सपनों में हैं, और एक प्लेयर हमेशा एक प्लेयर ही रहता है, एक जज्बा रहता है, जैसे कहते हैं ना कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, तो इस तरह से एक पुलिस वाला जो है हमेशा पुलिस वाला रहता है, एक जो खिलाड़ी है वो हमेशा खिलाड़ी रहता है। इनके दिया आराम से मत भिड़ जाना जो हम भिड़ते हैं आजकल, तो चलो वो नहीं आ रहा यहाँ पे, थैंक यू सो मच। और हीरो ऑफ द डे 19 श्रीकांत जाधव, जोरदार तालियां इनके लिए, आज इन्होंने कमाल का खेल दिखाया है। असलम इनामदार के लिए भी हम सैल्यूट करते हैं, भाई साहब इनकी फिरकी बहुत बढ़िया है। सोनू कुमार भी कह रहे हैं कि भाई साहब पटना के लिट्टे चोखा स्टेशन के बगल में मिलता है, मैंने खाया यार वहां पे, जहां पे वो 3-4 ऊपर को मंजिला वो एक दुकान है, हर मंजिल पे जाओ आप तो आपको लिट्टी चोखा मिलेगा, वो पुराने किस्म के वहां बैठने के लिए रखे गए हैं, जो इनको कि हम खाट कहते हैं, खाट रखी गई है वहां पे। जी, 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 हाँ। खाट, हाँ। तो खाट तो सर हरियाणा की भी मशहूर है सर। जी बिल्कुल, उनको खाट ही बोलते हैं हम भी, वैसे ही सर आपके पास बोलने के लिए चारपाई बोलती थी, खाट ही बोलते हैं जी। हाँ, यहाँ पे विराज राज सोनी कहते हैं कि कैन यू सेंड एड्रेस ऑफ खेल नाउ टीवी स्टूडियो एड्रेस, वी वांट टू लर्न कबड्डी विद मोहित चिल्लर। जरूर, लेकिन अभी जो है ये कोरोना है, तो मैं आपको खेल नाउ टीवी का आप एड्रेस जो है वो गूगल कर सकते हैं यहाँ पे, और गूगल करके आपको भी मिल जाएगा। यहाँ पे पीछे पूछ रहे हैं सर कुछ, क्या कह रहे सर आप, कोई आ जाएगा, कोरोना में अलाउ नहीं। अच्छा कोरोना है तो अलाउ नहीं है, नेकी जी कह रहे हैं कि कोरोना अलाउ नहीं है अभी, कोई आ जाएगा। फ्राइडे सैटरडे संडे अलाउ नहीं है, मंडे टू फ्राइडे अलाउड है, तो आप आ सकते हैं कभी भी। जी आपकी बात नहीं मान रहे यहाँ पे। जी हाँ, ये 66 फ्लोर M6 सुपर प्लाजा पे है, कोई बात नहीं, आइएगा मत आप बिल्कुल भी, क्योंकि अभी आजकल चल रहा है कोरोना का सीजन। नेकी जी कह रहे हैं यार अभी मत बुलाओ यार कोरोना है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे रैपअप हो रखा है, जो कबड्डी का कोर्ट था जिसपे हम स्पेशल वीडियो शूट करने वाले थे, तो हमने उसको भी उठा दिया है, क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे थे बाहर से आ रहे थे कबड्डी खेलने के लिए, कुछ तो अपना कबड्डी के साथ चड्डी यहीं छोड़ जाते थे, माफ कीजिएगा, छोटे छोटे बच्चे सर किस तरह से अपनी जर्सी भूल गए थे यहाँ। जी बिल्कुल, तो होती है बातें, अंकुश भी उनमें एक था, वो भी कबड्डी सीखने आया था लेकिन वो भी अपनी चड्डी छोड़ गया था, और नेगी तो अपना भाई बनियान भी छोड़ गए थे। कोई बात नहीं जी, हम खेलते रहेंगे यूं ही, और मुझे लगता है कि आज यहाँ पे आज का ये वीडियो यहीं पे यहीं तक, बहुत मस्ती बहुत मजाक यहाँ पे हो गया। ईशान शर्मा कहते मोहित भाई बिग फैन, यू आर प्रैक्टिसिंग कबड्डी नाउ अ डे, आई एम मिसिंग यू इन प्रो कबड्डी एंड वॉच योर ऑसम फॉर्म इन सीजन 2 एंड 3। जी हाँ सर, दूसरे और तीसरे सीजन का कुछ थोड़ा सा यहाँ पे आप सर, मैंने जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी फॉर्म थी, और सर मैं वहाँ डिफेंडरों में भी फर्स्ट सेकंड की उसमें रहता था, बड़ा अच्छा है सर वो यादगार पल करे। और सर थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना प्यार दिया, आपके प्यार की वजह से यहाँ है, और आज गौतम के भाई के प्यार की वजह से यहाँ है, और नेगी भाई तो है ही अपने कमाल, महान पुरुष, पुरुष नहीं हो महापुरुष है, महापुरुष है, पुरुष नहीं है यार, ऐसी बात मत क्या करो। अच्छा फिलहाल यहाँ पे लेते एक ब्रेक, और देखिए कल के कुछ मैचेस हैं जिनके बारे में कल ही हम बात करेंगे, और सुपर से ऊपर के मैच होने वाले हैं, और जहां पर तक मुझे पता है कि ये जो मैचेस हैं आपके भी दिल में उतर रहे होंगे, तमिल थलाइवास और हरियाणा स्टीलर्स का कल मैच है, और दूसरा मैच जयपुर पिंक पैंथर और दबंग दिल्ली, दोनों ही मुकाबले बहुत खतरनाक बहुत खास। तो आज का ये जो सेशन है यहीं पर खत्म होता है, जाते जाते यही कहूंगा कि खेल नाउ टीवी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, khelnautv.com जो है हमारी वेबसाइट है जहां पे कबड्डी की लाइव कमेंट्री आपको मिल रही है, और @khelnau अगर आप हम सर्च करेंगे तो आप हमें फॉलो कीजिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। जाते जाते कुछ कहना चाहते सर? सर मैं यही कहना चाहूंगा, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, और खेल कबड्डी तो बॉल कबड्डी। बाय बाय एंड गुड नाइट, टाटा।